शादी हो, मंगनी हो, फंक्शन हो या कोई तकरीब हो, ऐसे उसमें यह होता है कि अमूमन बाकी फैमिली मेंबर्स का काफी रोल होता है कि ये करना है, वो करना है, कपड़े ले आओ, जो भी रोल होते हैं अमूमन यही होता है। आपसे वो रोल एक्सपेक्टेड होता है या आप खुद कहते हो कि नहीं, क्या उसमें देखिए, क्या हमें होता तो 1 महीना 2 महीने पहले ही वो कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि तुमने उस इलाके के पास भी नहीं आना। हो? वो इसलिए कि उनकी फिर बेइज्जती होती है, वो देखेंगे कि अच्छा ये भी इनकी औलाद है, तो यू आर नॉट क्या है, अलाउड। हमें कहाँ जाएं, किधर चले जाएं, क्या करें ना, अच्छा अपने घर वालों के रवैये से खुश हूं और ना लोगों के रवैये से। लोगों का तो माशाल्लाह रवैया इतना अच्छा है कि दुआएं देने को दिल करता है कि इनको दवाएं दें। जिस रास्ते से गुजरूंगी वहां से आवाजें देंगे, किसी टैक्सी में बैठ जाए, टैक्सी वाला इंटरव्यू लेना शुरू हो जाएगा, शीशा शीशा बार बार सेट करके देखना शुरू हो जाएगा। पता नहीं इनकी ये क्या आते हैं, क्या सोचे, ये इनकी कब सोचे नहीं, खत्म आप होंगी। खूबसूरत है ना, इसलिए नहीं शादी एक जी, बात तो है ना, आप अच्छा जो खूबसूरत खूबसूरत नहीं है है। उनको क्यों तंग करते। हाँ ये हैरेसमेंट क्या बात होता है कि है, ये खूबसूरती के बात साथ कोई ताल्लुक नहीं, नहीं मैं है समझ ना। गया हूँ, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। शादी मुझे ये बताइए कि ये जो लोगों का एक है वो ना, आपकी बात मैं काटती हूँ कि खूबसूरती इस चीज के लिए नहीं है कि हर बंदा उसको तंग करना हाँ शुरू हो नहीं जाए। सही बात है, देखिए खूबसूरती और बदसूरती ये अल्लाह ताला ने दी है, बेशक। जो कुछ भी है अगर कोई खूबसूरत है तो वो भी अल्लाह ताला ने बनाया, नहीं अगर शाजी जो ये खूबसूरत जो नहीं है उसको हाँ भी अल्लाह ताला ने नहीं, ये बनाया, जो मगर ये लोग एक चीज के पीछे ठीक है भाग गए, ठीक है, खूबसूरत छोड़ो छोड़ो, जिंदगी ये होगी जो है। लोग आपसे एक तवक्कु करते हैं दुआओं की, ये मतलब मैं भी इंसान हूं, मैं भी दुआ दे सकता हूँ, वो कबूल हो हाँ होता सकती है ना कि है, हम ये भगवान भी आ रहे इंसान हैं, है, ये भी दुआ दे सकते वो हैं, वो क्या कबूल होता हो। है उसके बाद। आप ही लोग वो कहते हैं ना, आपकी बददुआ से भी लोग डरते हैं और दुआ आपकी, क्या क्या ये ये क्या अब चीज तो है। हमारी बदवाओं में भी असर नहीं रहा क्योंकि कुछ दौर कुछ हवाएं ऐसी चल पड़ी हैं कि अगर हमारी बदवाएं लगती होती तो हमारी उन गुरुओं को बदवाएं लग जाती जिनसे हम बहुत ज्यादा तंग हैं। अच्छा रेट क्या होता है, ये जो बेचते हैं ना गुरु, सेल माफिया के बारे में हम ये बात कर क्या रहे हैं। रेट रखते हैं, हाँ मतलब इसमें हजारों चोरी में की या बात लाखों में, जरूर, क्या क्या ये रेट। लाखों के लाखों तक जाता है, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 1 लाख, तो बस इसी तरह ये रेट चलता रहता है अपनी मर्जी के। तो सेल माफिया पे इस पे क्या क्राइटेरिया होता है कि मतलब रेट हाई क्यों है, कम क्यों है, मतलब इस पे क्या क्या रीजन है? रेट हाई उसके हो जाते हैं जो जिसके ऊपर ज्यादा इल्जाम लग जाए। शमा की कॉल है जी गुजरात से, अस्सलाम वालेकुम शमा, कैसी हैं आप, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपने अल्लाह का बहुत भले। करम है। शमा क्या कहना चाहेंगी इस टॉपिक पे। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन लोगों को जो भी डिस्टर्ब किया वही हम लोगों ने किया। ठीक मेरे जाती तौर पे मेरी एक दो बंदे से ऐसी मुलाकात भी हुई है, मेरे घर भी आते हैं, मैं तो माशाल्लाह बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक और मेरा जाती तजर्बा है कि इनको अगर दुआ का बोले और इनकी दुआ दी लगती है, ये सिर्फ हम में गलती है, इनमें कोई गलती कोई कसूर नहीं। सही, हम क्यों ऐसा करते हैं, क्यों तंग करते हैं इनको। क्यों तंग करते हैं भाई जी? ये है कि मैं तो कहती हूँ ये लोग अल्लाह के बहुत साफ लोग हैं, बेशक हम लोग हैं, हमारे में कमी हो सकती है, लेकिन इन लोगों में कोई दिन के कोई हो सकता है ट्रैक्टर ये वो नहीं, लेकिन ये को देखा गया ये तो जब से है हमें ही यूज करने में। सही बात, ठीक है, थैंक यू इन सो मच बातों शमा, थैंक यू सो थैंक यू मच फॉर योर सर। लवली कॉल। सेल माफिया पे बात कर रहे थे हम। अच्छा ये एक सॉरी, कभी ऐसा हुआ कि कहीं पता लग गया हो कि कोई गुरु किसी को बेचने वाला है और वहां पे कानून ने इंटरफेरेंस की हो, क्योंकि इंसान को बेचना बहुत बड़ा जुर्म है कानूनी भी, कहीं ऐसा हुआ कि पुलिस ने या कानून ने इंटरफेरेंस की हो, वहां पे आकर छापा डाला हो और पकड़ लिया हो उनको, कभी हुआ। पुलिस, अब मैं क्या कहूँ क्या दे, दो ऐसे शोबे हैं जिनके बारे में मैं टीवी में कुछ नहीं कह सकती, एक तो पुलिस हो गया ना, दूसरा कौन सा है ये मेरे दुश्मन बन जाएंगे वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे साथ जो लोगों का रवैया है ना, पुलिस समेत और लोगों समेत और माशाल्लाह जो हमारे मौलाना साहब हैं उन समेत, बीच में मैं सबको ला रही हूँ, वो इसलिए कि हमारी एक ख्वाजा सरा थी, मेरी सहेली थी,
उसके ऊपर किसी ने तेजाब फेंका था, पूजा उसका नाम था और ये मनसेरे रहते थे। अच्छा। तो उसके ऊपर जब तेजाब फेंका, वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको क्या बताऊं, उसके ऊपर तेजाब फेंका, फिर उसका मैंने सीएमएच से मैंने उसकी सर्जरी करवाई, मैं साथ जाती रही हूँ वहां से, उसकी सर्जरी होगी पर जैसी भी हुई थोड़ी बहुत ठीक होगी, बड़ी मुश्किल से बड़े पैसे कहाँ से कर करके भीख मांग के उस बेचारी का ऑपरेशन मैंने खुद करवाया मैंने जाके। फिर उसके बाद वो बेचारी साल के करीब करीब वो जिंदा रही है, फिर वो उसको मैंने गांव उसके भेज दिया। तेजाब फेंकने की क्या वजह थी? तेजाब फेंकने की आपसे मसूद साले पिंडी से बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं साले, ओके बंद हो गया, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो उसकी तेजाब फेंका, ये आज तक पता नहीं चला कि किस लिए फेंका, कोई दुश्मनी भी होती है, कोई ऐसे आशिक भी बन जाते हैं वो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये भी होता है। हाँ जी, फिर उस बेचारी को मैंने भेजा, एक साल के अंदर अंदर मुझे पता चला कि वो मर गई है, उसके घर वाले उसको लेके चले, वो पठानों में से थी। अच्छा। तो वहां पे उसको ले गए उसके घर वाले, उसकी लाश अवल, तो वो जो मौलवी साहब थे, मौलवियों का मैं नाम लिया था इसलिए कि अभी उनको मैं बीच में ऐड कर रही हूँ इस चीज के लिए कि सबसे पहले मौलवी वो जनाजा उसको वो गुसल निकाल थे कि ये देखिए ये क्या चीज है। अच्छा देखिए क्या चीज है, उन्होंने बताया है कि जी हमारा बेटा है, तो कहता है ना बेटा है ना बेटी है, चले ठीक है इंसान तो है ना। मौलवियों का काम है कि देखिए अगर आप उसको गुस्ल दिला रहे हैं, अगर बेटा नहीं नजर आ रहा बेटी नहीं नजर आ रही, इंसान तो नजर आ रहा है ना, आप उसका गुस्ल दिलाएं जो आपकी वो तौर तरीके है मुसलमान। हाँ जी, तो वो उन्होंने उसकी मार रोना शुरू होगी, उसने मौलवी साहब के पाँव के ऊपर अपना दुपट्टा फेंक दिया कि बाहर किसी को ना बताना आप इसको गुसल दे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रो रो के उन्होंने गुसल दिलाया, फिर उसके बाद उसको कब्रिस्तान में दफन किया। दफन करने के कुछ दिन के बाद पता चला जी उसकी कब्र को उखेड़ के ऊपर किसी ने सीमेंट लगा के प्लस्तर कर दिया। ये कितना जुल्म है, बहुत बुरी, ये कैसे लोग हैं। देखिए वो जिंदा थी तो तब उस बेचारी के साथ इतना बड़े जुल्म हुए, फिर जब वो मर गई है तो उसकी कब्र भी खत्म कर दी है। ये किस तरह के मुसलमान है, ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो यकीन करें कि सोच के परेशानी होती है कि मैं मुसलमानों में रह रही हूँ, हम लोग मुसलमानों में रह रहे हैं, मुसलमानों के इस तरह के रवैये हैं। ठीक है वो जिंदा थी तो उसके साथ इतनी बदसलूकी हुई है, इतना जुल्म हुआ है कि देखिए हर इंसान के पास एक उसका वजूद होता है, चेहरा होता है, अगर चेहरे के ऊपर दाना निकल आता है इंसान अपने दाने को छुपाता फिरता है, उसके ऊपर तेजाब फेंका गया, उसके ऊपर इतनी ज्यादती की, ये पुलिस और ये इंसान ये सब मिलके क्या कर रहे हैं वो हमारी सहेली ना जिसके साथ। जैसे आप आवाज उठा रहे हो, जैसे आपकी कोशिश है, आपके दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी कोशिश है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन भी हो, पार्लियामेंट तक जाएं आप लोग, कोई कोशिश की है? क्योंकि इस तरह तो नहीं होगा।